नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स में। आज हम बात करेंगे द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1996 के बारे में, यानी कि भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन अधिनियम 1996 के संबंध में। यह एक्ट मुख्य रूप से जो है भवन या अन्य प्रकार का जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, अदर तरह का जो निर्माण का कार्य होता है, उसमें जो भी कामगार संलग्न है उनसे संबंधित है या उनके सेवा शर्तों को विनियमित करता है, उनके नियोजन को विनियमित करता है। और इस अधिनियम में किस प्रकार से हम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करा सकते हैं, बेसिकली जो निर्माण के कार्य में संलग्न कामगार होते हैं, ऊंचे ऊंचे भवनों का निर्माण करते हैं। अब जो कंस्ट्रक्शन साइट होता है वो बहुत डेंजरस होता है, बिल्डिंग से वह ऊपर से नीचे गिर सकता है या बिल्डिंग टूट के गिर सकती है, कई तरह की समस्याएं आ सकती है। इसलिए ऐसे कामगारों का जो है जीवन जोखिमपूर्ण कार्यों में व्यतीत होता है, तो उनको सुरक्षा देने की आवश्यकता होती है। तो ये जो पूरा का पूरा एक्ट है उसमें आपको टोटल 11 चैप्टर्स है, 11 अध्याय है और टोटल 64 सेक्शंस यानी 64 धाराएं हैं। ठीक है, जैसा कि इसका ऑब्जेक्टिव है, तो हम बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के किन किन पॉइंट्स को देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज को देखते हैं और उसमें फिर उसके हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर मेजर्स वेज जो भी अदर मैटर्स है वो सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। यह अधिनियम जो है आपको वो पूरे देश में लागू है, कोई भी राज्य अपवाद में नहीं है इसके, और यह प्रभावी है डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन डे फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1996। 1 मार्च 1996 से यह प्रभावी है, जबकि आपने देखा था कि यह अधिनियम जो पारित हुआ था वो कब हुआ था, 19 अगस्त 1996 को, लेकिन यह बैक डेट से लागू किया गया है। कहां पे यह लागू होगा, जहां पे कि पिछले एक वर्ष में या पिछले 12 महीने में 10 या उससे अधिक यानी कि कंस्ट्रक्शन के कार्य में जुड़े हुए जो है कामगार वो आपको एम्प्लॉयड थे, वहां पे नियोजित थे। परिभाषाओं में अगर आप देखेंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट समुचित सरकार, जैसा कि हम जानते हैं कि यदि कोई प्रतिष्ठान कोई एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और यदि वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होती है। बेनिफिशियरीज मतलब होता है बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो कि रजिस्टर्ड है सेक्शन 12 के अंतर्गत, आगे चल के हम लोग देखेंगे सेक्शन 12 में रजिस्ट्रेशन का जिक्र किया गया है। बोर्ड का मतलब होता है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, जो कि हर एक स्टेट में कंस्टिट्यूट होता है, जैसे बिहार यूपी महाराष्ट्र राजस्थान, हर स्टेट का अपना अपना बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है वो है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क का, भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य किसको कहेंगे, तो किसी भी प्रकार का जो बिल्डिंग होगा, स्ट्रीट होगा, रोड होगा, रेलवे का काम है, एयरफील्ड का काम है, इरिगेशन है, ड्रेनेज है, उन सब में किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन होता हो, कोई अल्टरेशन होता हो, कोई रिपेयर्स करते हैं हम उसका, मरम्मती करते हैं, किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन करते हैं, किसी प्रकार के मेंटेनेंस का वर्क करते हैं या उसको डिमोलिश करते हैं, किसी भी प्रकार का काम अगर हम करते हैं, स्ट्रीट का, रोड का, बिल्डिंग का, अगर हम पावर जो जनरेट होता है उसका जनरेशन करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किसी प्रकार का वाटर वर्क करते हैं जैसे किसी प्रकार का नहर वगैरह बनाना, और कई तरह के कार्य इसमें शामिल है, जैसे वायरलेस का काम, रेडियो का काम, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ, इन सब का जो है आपको खंबे लगाना या उनकी वायरिंग को बिछाना, डैम कैनाल इन सब को बनाना, कई प्रकार के कार्य जो है इसमें शामिल किए गए हैं जो कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स में आते हैं। लेकिन दो एक्ट के तहत यदि कोई एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड है तो फिर उसको बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट में नहीं माना जाएगा। एक है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और एक है माइंस एक्ट 1952। नेक्स्ट जो परिभाषा इंपॉर्टेंट है वो है बिल्डिंग वर्कर्स की। एक तो हम समझ गए कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या आएगा, और आपने देखा इसकी व्यापक परिभाषा है, सभी प्रकार का कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, डिमोलिशन, अल्टरेशन, मेंटेनेंस, वो सब जो है सो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में आ जाता है। अब उसमें जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको हम बिल्डिंग वर्कर्स कहेंगे। उसको और क्लियर किया गया है कि बिल्डिंग वर्कर मीन्स अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू डू एनी स्किल्ड वर्क, सेमी स्किल्ड वर्क और अनस्किल्ड वर्क, ये तीनों है। मान लीजिए कोई स्किल्ड वर्क में है, उसका वेज हो सकता है बहुत ज्यादा हो, सैलरी अच्छी खासी हो,
तो ऐसा नहीं कि वो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया जाएगा, केवल वही लोग इंक्लूड होंगे जो मजदूर क्लास के होंगे या फिर जो कम पढ़े लिखे होंगे, अनस्किल्ड होंगे। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड सभी को किया गया। उसके अलावा और डिटेल में जाए तो मैनुअल काम करने वाले, मशीन से काम करने वाले, सुपरवाइजर कैडर के भी लोग अगर हैं उसका, टेक्निकल और क्लर्कियल वर्क में है तो उनको भी इसमें जो है इंक्लूड किया गया। मान लीजिए कोई मुंशी है बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर साइट पे और वो हिसाब किताब रखता है, तो उसको भी यहां पर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर के तहत माना जाएगा, उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा। फॉर हायर और रिवार्ड वेदर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड और इन कनेक्शन विद एनी बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क बट डज नॉट इंक्लूड्स, उनको किसी भी हायर और रिवार्ड्स पे रखा गया है जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट्स का जो टर्म और कंडीशन है वो एक्सप्रेस्ड है, लिखित रूप में हो सकता है या समझा जा सकता है, विविक्षित है, और उसमें इंक्लूड किनको नहीं किया गया है जो कि मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी से जो है उसमें आपको शामिल है। ये देखिए आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में भी इस तरह से लिखा हुआ रहता है कि मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी वाले को हम लोग वर्कमैन नहीं मानते। आपने देखा था कि इसके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परिभाषा जो थी, समुचित सरकार की जो इसकी परिभाषा है उसमें भी आपको लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत जो समुचित सरकार होगा, तो इस एक्ट में कई जगह उस एक्ट को लिंक भी किया गया है। और दूसरा कह रहा है कि अगर सुपरवाइजरी कैपेसिटी में है और ड्रॉ वेज एक्सेडिंग 1600 रुपीज पर मंथ, अब ये बहुत पुराना एक्ट है और उसमें फिर कभी रिवीजन नहीं हुआ है इस सेंस से, तो अभी भी 1600 रुपया प्रति माह या उससे अधिक कमाने वाले सुपरवाइजर को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। हालांकि वर्कर ज्यादा भी कमाता है तो इंक्लूड होगा, सुपरवाइजर के मामले में 1600 रुपया प्रति माह या उससे अधिक कमाने वाले को इंक्लूड नहीं किया गया, या मैनेजरियल नेचर का अगर उसमें पावर वेस्टेड है तो उसको इंक्लूड नहीं किया। तो ये दो एक्सेप्शन है, बाकी जो भी वर्कर वहां काम कर रहा है, जो भी व्यक्ति वहां काम कर रहा है बिल्डिंग साइट पे, वो बिल्डिंग अनदर कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में माना जाएगा। एक्ट में इंप्लॉयर को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि इंप्लॉयर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट मींस द ऑनर देयर ऑफ, जो उस एस्टेब्लिशमेंट का ऑनर हो, एंड इंक्लूड्स, और किसको इंक्लूड किया गया है, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट है उनको भी इंक्लूड किया गया है डायरेक्टली विदाउट एनी कॉन्ट्रेक्टर। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कोई कंस्ट्रक्शन सरकारी विभागों के द्वारा किया जा रहा है बिना किसी कॉन्ट्रैक्टर के डायरेक्टली, तो फिर वो विभाग भी यहाँ पे ऑनर के रूप में आ जाएगा, या उसका जो भी अथॉरिटी होगा डेजिग्नेटेड वो, या उसका जो हेड होगा एचओडी, वो सब जो है सो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे एम्प्लॉयर के रूप में। इन रिलेशन टू बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क कैरीड ऑन बाय और ऑन बिहाफ ऑफ ए लोकल अथॉरिटी और अदर एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्टर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। और इन सब जगहों पर एक चीज ध्यान देने की बात है कि यदि वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम कराते हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्टर ही यहां पर जो है इंप्लॉयर हो जाएगा, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम नहीं कराते हैं तो फिर वो खुद इंप्लॉयर माने जाएंगे। और फिर लास्ट में कहा गया है कि यदि कोई कंस्ट्रक्शन वर्क जो है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हो रहा है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्टर भी इंप्लॉयर में माना जाएगा। तो इंप्लॉयर का मतलब यहां पर यह नहीं होता है कि जो ऑनर होगा वही बिल्डिंग का इंप्लॉयर होगा। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट में कॉन्ट्रैक्टर को भी एम्प्लॉयर के रूप में माना जाता है। एक और इंपॉर्टेंट परिभाषा है एस्टैब्लिशमेंट्स की, एस्टैब्लिशमेंट में किसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन किया जाना है तो ये क्लियर होना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट कौन होगा। तो एस्टैब्लिशमेंट मीन्स एनी एस्टैब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट और एनी बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म और इंडिविजुअल और एसोसिएशन और अदर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल विच और हु एम्प्लॉय बिल्डिंग वर्कर्स इन एनी बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड इंक्लूड्स, किसको किसको किया, तो उन्होंने गवर्नमेंट्स के कोई भी डिपार्टमेंट्स का अगर एस्टैब्लिशमेंट है उनको, कोई कॉर्पोरेट है, कोई फर्म है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का भी कोई एस्टैब्लिशमेंट है, एसोसिएशन है वो इंडिविजुअल्स का उनका कोई एस्टैब्लिशमेंट है, किसी भी तरीके का एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने इसमें इंक्लूड किया। एंड इंक्लूड एस्टैब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू ए कॉन्ट्रैक्टर, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर किसी एस्टैब्लिशमेंट्स को बना रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो वो भी जो है कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर उसका एस्टैब्लिशमेंट आ जाएगा। बट डज नॉट इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल हु एम्प्लॉय सच वर्कर इन एनी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क इन रिलेशन टू हिज ऑन रेसिडेंस द टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बीइंग नॉट मोर देन 10 लाख रुपीज। अब मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, कोई एक व्यक्ति जो है वो अपना भवन, अपना मकान बना रहा है, और जो अपना मकान बना रहा है उसकी जो कीमत है वो उसकी 10 लाख रुपए से कम है, तो अगर 10 लाख रुपए से कम है तो वो फिर एस्टैब्लिशमेंट में कवर्ड नहीं होगा, उसके रजिस्ट्रेशन कराने की उसको जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर वो 10 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत वाला खुद के रहने का बिल्डिंग भी बना रहा है तब भी उसको एस्टैब्लिशमेंट में कवर्ड किया जाता है। वेज को डिफाइंड करते हुए कहा गया है कि वही मीनिंग है जो कि
पेमेंट ऑफ वेज एक्ट के तहत वेज का मीनिंग होता है। पेमेंट ऑफ वेज एक्ट के तहत वेज का क्या मीनिंग है इसको अगर आपको जानना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के आप पेमेंट ऑफ वेज एक्ट देख लीजिए। अब यह एक्ट का जो सेक्शन 3 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो एक सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी बनाए, केंद्रीय सलाहकार समिति का निर्माण करे। अब यह केंद्रीय सलाहकार समिति का निर्माण क्यों करेगा, तो इसका जो उद्देश्य होगा वो होगा केंद्र सरकार को इस एक्ट के इंप्लीमेंटेशन के लिए वो कमिटी जो है सुझाव दे। तो इसके लिए सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी बनेगी। अब जो सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी होगी उसमें एक चेयरपर्सन होंगे, उसके अलावा पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उनके 3 मेंबर जो है आपको पार्लियामेंट के होंगे, जिसमें कि 2 जो है वो हाउस ऑफ पीपुल्स से होंगे और 1 जो है काउंसिल ऑफ स्टेट से होंगे। उसके अलावा डायरेक्टर जनरल जो मेंबर होंगे वो एक्स ऑफिसियो होंगे डीजी, और उसके अलावा जो है कम से कम 9 और अधिक से अधिक 13, 9 to 13 के बीच में और भी मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर सकती है, जो कि एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करते होंगे, जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर एसोसिएशन ऑफ आर्किटेक्ट्स है उनको रिप्रेजेंट करते होंगे, इंजीनियर्स को रिप्रेजेंट करते होंगे, एक्सीडेंट इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, क्योंकि इन सब का इंटरेस्ट इस एक्ट में इंक्लूडेड है, इसीलिए इनको एज ए मेंबर इस सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी में रखा जाना है। सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी की तरह जो है आपको स्टेट एडवाइजरी कमिटी बनाना है, जिसका भी वही फंक्शन होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट को सलाह देगा समय समय पर इस अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए या उसमें कोई नई बात शामिल करने के दृष्टिकोण से। इसमें भी उसी प्रकार से चेयरपर्सन जो होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड होंगे, 2 मेंबर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के चुने गए मेंबर होंगे, उसके अलावा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक नॉमिनेटेड मेंबर होगा, और जो इसका चीफ इंस्पेक्टर है वो आपको एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। टोटल जो है 7 से लेकर के 11 तक जो है और मेंबर हो सकते हैं स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में, जिसमें जो एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एसोसिएशन के आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस के हो सकते हैं, जिस प्रकार के सेंट्रल गवर्नमेंट में था। सेक्शन 5 में एक्सपर्ट कमेटी की बात कही गई है। एक्सपर्ट कमेटी का उद्देश्य बेसिकली अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रूल बनाने में हेल्प करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी की बात की गई थी। अब ये 1996 का एक्ट है और हर एक स्टेट्स में और सेंट्रल रूल भी इसका ऑलरेडी बन चुका है, तो ये सेक्शन अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। चैप्टर 2 है आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट से, जो हमने आपको एस्टैब्लिशमेंट की परिभाषा बताई थी, जहां सभी प्रकार के एस्टैब्लिशमेंट कवर्ड होते हैं, और जो निजी अगर कोई आवास बना रहा है और उसका कीमत 10 लाख रुपए से कम है तो उसको कवर्ड नहीं किया गया है, तो इस प्रकार के एस्टैब्लिशमेंट्स को जो कि एस्टैब्लिशमेंट की परिभाषा में शामिल होंगे उनका रजिस्ट्रेशन किया जाना है। तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन 6 के तहत रजिस्ट्रिंग ऑफिसर अपॉइंट करना, और ये कौन अपॉइंट करेगा, ये अपॉइंट करेगा आपको समुचित सरकार, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर्स को एज ए रजिस्ट्रिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगी, उनको अपना पावर देगी, ज्यूरिडिक्शन एरिया होगा कि कहां तक वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं किस एरिया में, और उसके अलावा रजिस्ट्रेशन जो है एस्टैब्लिशमेंट का किया जाना है। अब रजिस्ट्रेशन कौन करेगा एस्टैब्लिशमेंट का, तो जो भी एस्टैब्लिशमेंट है जिसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका रजिस्ट्रेशन किया जाना है किसके द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए फिर वो क्या करेगा, एप्लीकेशन प्रोवाइड कराएगा रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के सामने। जनरली जो है सो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम जो है आज की डेट में हर एक स्टेट्स में लागू है, तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन लेते हैं। इस एक्ट के कमेंसमेंट के विद इन 60 डेज जो है जो भी बिल्डिंग पूर्व से बनी है उसका रजिस्ट्रेशन लेना है, यदि वो पहले से बन रही थी इस एक्ट के आने के समय, और यदि इस एक्ट के आने के बाद कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसको भी बिल्डिंग जो स्टार्ट करने के 60 दिन के अंदर जो है सो रजिस्ट्रेशन लेना है। यदि रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को लगता है कि जो रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया गया है बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क के रूप में एस्टैब्लिशमेंट का वो गलत तरीके से प्राप्त किया गया, मिस रिप्रेजेंटेशन या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है, तो फिर वो उस रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर सकता है। अब मान लीजिए किसी एस्टैब्लिशमेंट ने अपना रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दिया, रजिस्ट्रिंग ऑफिसर जो है जो सेक्शन 6 में नियुक्त किया गया है, सेक्शन 7 में जो उसको रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन मिला उसको सेक्शन 8 के तहत तो उसने रिवोक कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो वो चाहे तो वह व्यक्ति जिस दिन से कैंसिल हुआ उसके 30 डेज के अंदर जो है वो अपील कर सकता है, और अपील करने के लिए एक अपीलेट अथॉरिटी होगा इस एक्ट के तहत, जो कि स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है अपना अपीलेट अथॉरिटी नियुक्त करेगी, और उसके सामने अपील करने के बाद जो अथॉरिटी का डिसीजन होगा वो फिर उस पर लागू होगा। और सेक्शन 10 कहता है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, क्लियर किया गया है कि यदि किसी भी इंप्लॉयर ने किसी एस्टैब्लिशमेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं कराया अंडर सेक्शन 7, या अगर अंडर सेक्शन 8 उसका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो गया है और 9 में उसका अपील जो है डिसमिस्ड नहीं हुआ, अपील उसका जो है सो एक्सेप्ट हो गया, तो ऐसी स्थिति में फिर वो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर से काम नहीं ले सकता आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द 60 डेज,
यानी कि रजिस्ट्रेशन किए बिना आप किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर से काम नहीं ले सकते। चैप्टर फोर जो है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स एज ए बेनिफिशियरी। जो चैप्टर थ्री था जिसके बारे में अभी हम लोग देख रहे थे वो रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड था, और जो चैप्टर फोर है वो वर्कर जो वहां पर काम कर रहा है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में, उस वर्कर के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है एज ए बेनिफिशियरी, उसको लाभुक बनना है। तो एक्चुअली इसमें एक फंड का गठन करने का बात किया गया है, बेनिफिशरीज ऑफ द फंड। तो वो जो फंड होगा वो फंड कैसे आता है, हमने आपको बताया कि इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और एक्ट है वेलफेयर सेस एक्ट जो है बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, वेलफेयर सेस एक्ट 1996 का, जिसमें कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो उसके लिए उस काम के एवज में टोटल जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसका 1% जो है आपको वेलफेयर सेस के रूप में इस कंस्ट्रक्शन बोर्ड में जमा करना है। अंडर सेक्शन 18 जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड होगा स्टेट का, उसमें 1% आपको जमा करना है। तो उस कोर्स का जो है, उस फंड का जो है बेनिफिशियरी कौन होगा, वही होगा जो कंस्ट्रक्शन के काम में इन्वॉल्व है, और ये फंड जो है उस बेनिफिशियरीज के लिए इस फंड से स्कीम्स बनाए जाएंगे। तो उसी के बारे में इस चैप्टर 4 में आपको क्लियर किया गया है। तो कहता है कि एवरी बिल्डिंग वर्कर्स रजिस्टर्ड एज बेनिफिशियरी अंडर दिस एक्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड फ्रॉम इट्स फंड अंडर द एक्ट। जो भी रजिस्टर्ड वर्कर है उसको इस फंड से लाभ मिलना है, और इस फंड में पैसा कहां से आएगा वो मैंने आपको क्लियर किया कि ये सेस लगता है, उपकर लगता है, जो कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर 1% एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, और वो उस उपकर की राशि को जमा करके फंड क्रिएट किया जाता है। ये उपकर हर एक तरह के एस्टैब्लिशमेंट को लगता है, चाहे वो प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट हो, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट हो, किसी का निजी आवास बन रहा हो जिसका की कीमत 10 लाख रुपए से ऊपर है, हर किसी के लिए यह उपकर की राशि आवश्यक होती है देनी। अब सेक्शन 12 कहता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग वर्कर एज ए बेनिफिशियरी, किसको हम बेनिफिशियरी के रूप में रजिस्टर्ड करेंगे। तो यहां क्लियर किया गया है कि वैसा बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर जिसका की एज आपको 18 से 16 के बीच हो, 18 से लेकर के 60 साल के बीच, अगर 60 ईयर के बीच में, 18 से 60 ईयर के बीच में अगर उसका एज हो तो वो बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के रूप में रजिस्टर्ड हो सकता है। ये पहला शर्त है, और दूसरा शर्त है कि उसने कम से कम Not less than 90 day during preceding 12 month construction के work में काम किया है। Not less than 90 days, कम से कम 90 दिनों तक वो construction के रूप में पिछले 12 महीने में काम किया हो जब वो registration के लिए जा रहा हो। जब कोई भी निर्माण कामगार कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है रजिस्टर्ड होगा तो उसको एक आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाएगा, बोर्ड की तरफ से एक कार्ड दिया जाएगा जिसमें उसका डिटेल्स लिखा होता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, किस प्रकार के काम में वो इन्वॉल्व है, मान लीजिए पेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, किस प्रकार के काम में है वो क्लियर लिखा रहेगा, और वो कार्ड जो होगा उसी के कार्ड के आधार पर उसको आगे बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। अब यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए 18 से 60 के बीच में रजिस्ट्रेशन कराता है और उसका उम्र 60 से ज्यादा हो जाए, 60 प्लस हो जाए, तो फिर वो बेनिफिशियरी नहीं रह जाएगा बोर्ड का। केवल पेंशन की स्कीम अगर चलती होगी तो वो पेंशन स्कीम का बेनिफिशियरी रहेगा, अदरवाइज बोर्ड का बेनिफिशियरी वो नहीं रहेगा, उसे पेंशन प्रोवाइड किया जा सकता है बोर्ड से। तो अगर वो 60 प्लस हो जाए तो बेनिफिशियरी नहीं रहेगा, और अगर वो किसी साल 90 डे से कम काम करता है कंस्ट्रक्शन के फील्ड में तो भी वो बेनिफिशियरी बोर्ड का नहीं रहेगा। हालांकि इस 90 डेज में जो है वो पीरियड इंक्लूड होगा जो उसका एक्सीडेंट के चलते, इंजुरी होने के चलते वो रेस्ट पे रहा, यानी कि यदि किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का एट द साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन, निर्माण स्थान पर एक्सीडेंट होता है और वो एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसका मीनिंग क्या होता है ये आप हमारे कंपनसेशन एक्ट के वीडियोस में जाकर के या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के वीडियो में जाकर के डिटेल देख सकते हैं। तो अगर वो साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन के निर्माण के कारण उसका एक्सीडेंट होता है, जो नियोजन के कारण होता है, तो फिर उस स्थिति में जो इंजुरीज में रेस्ट में रहेगा तो वो पीरियड को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और जो इसका सबसेक्शन 2 है वो क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति, इफ अ पर्सन हैड बीन बेनिफिशियरी फॉर लिस्ट 3 इयर्स कंटिन्यूअसली इमीडिएटली बिफोर अटेंडिंग द एज ऑफ 60 इयर्स, 60 साल अटेंड करने से पहले 3 साल अगर वो लगातार कंटिन्यूअसली बोर्ड्स का मेंबर रह गया तो वो एलिजिबल हो जाएगा गेट सच बेनिफिट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जो भी आपको रूल में दिया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है, उस नियमों के आधार पर वो सारे बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हो जाएगा। सेक्शन 15 जो है वो सारे एम्प्लॉयर्स को कहता है कि वो एक मेंटेन करेगा रजिस्टर को,
इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड कहीं भी लिखा रहता है, अर्थात जो रूल में बताया जाएगा उसका जो फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में वो एक रजिस्टर को मेंटेन करेगा जिसमें कि शोइंग द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ बेनिफिशरीज एम्प्लॉयड इन बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क अंडरटेकन बाय हिम एंड सेम मे बी इंस्पेक्टेड विदाउट एनी प्रायर नोटिस बाय द सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड और एनी ऑफिसर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय बोर्ड इन दिस बिहाफ। यानी कि हर एक एम्प्लॉयर को एक रजिस्टर मेंटेन करना है, उसमें उसके डिटेल्स को रखना है और बोर्ड के जो सेक्रेटरी होंगे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सेक्रेटरी के द्वारा ऑथराइज्ड कोई ऑफिसर होगा बोर्ड के द्वारा, तो उनके द्वारा कभी भी उस रजिस्टर को इंस्पेक्ट किया जा सकता। अब जो भी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रजिस्टर्ड होगा अंडर सेक्शन 12, उसको बोर्ड के फंड में कंट्रीब्यूशन भी देना होगा। ये जो फंड होता है बोर्ड का, हमने आपको बताया कि इसका तो एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है 1% जो सेस लगता है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे, उससे आता है, ये मेन पार्ट होता है। और एक हिस्सा जो है, जो छोटा सा ही हो लेकिन सही, वो जो वर्कर रजिस्टर्ड वर्कर है उनके कंट्रीब्यूशन से आता है। तो ये कंट्रीब्यूशन की बात जो है सो यहाँ पर की गई है कि जो भी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होगा, जब तक कि वो 60 साल का नहीं हो जाए तब तक वो बोर्ड के फंड में अपना कंट्रीब्यूशन देगा, जो कि रेट डिसाइड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का जो बोर्ड होगा उसके द्वारा कि वो पर ईयर कितना कंट्रीब्यूशन देगा या नहीं देगा, जो भी स्थिति होगी। यदि बोर्ड को ऐसा लगता है कि कोई वर्कर ऐसा है जो कि वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता है अपनी आर्थिक स्थितियों के चलते, तो वो उसके पेमेंट्स को वेव अप कर सकता है 3 महीने तक के पेमेंट को, एट ए टाइम जो है नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, 3 महीने तक के पेमेंट्स को वो वे ऑफ कर सकता है। इसके अलावा एक्ट ने प्रोविजन किया है कि यदि कोई वर्कर चाहे तो अपने कंट्रीब्यूशन का जो हिस्सा है वो अपने मंथली वेज से एम्प्लॉयर्स को कह सकता है, एम्प्लॉयर को, कि भाई हमारे मंथली वेज से हमारे कंट्रीब्यूशन का हिस्सा काट लीजिए और इसको बोर्ड में रिमिट कर दीजिए, बोर्ड को ट्रांसफर कर दीजिए विद इन 15 डेज फ्रॉम सच डिडक्शंस, उस डिडक्शन के 15 दिनों के अंदर एम्प्लॉयर को उसको बोर्ड को भेज देना है। अब सेक्शन 17 क्लियर करता है कि यदि कोई बेनिफिशियरी जो कि बोर्ड का मेंबर हो चुका है, बेनिफिशियरी बन चुका है, और अगर वो कंटिन्यूअसली लगातार 1 साल तक कंट्रीब्यूशन नहीं करता है तो क्या होगा, इस केस में वो बोर्ड के लाभ लेने से वंचित हो सकता है, उसका जो बेनिफिशियरी का स्टेटस है वो सीज हो जाएगा। इसीलिए कंट्रीब्यूशन आवश्यक है और इसी कंट्रीब्यूशन के लिए जो है रिन्यूअल सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो भी मेंबर बनता है उसको रिन्यू करना पड़ेगा अपना बेनिफिशियरी का स्टेटस। चैप्टर 5 जो है वो आपको बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के बारे में है। अब जैसे कि एस्टैब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन हो गया, वर्कर्स को एज ए बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड किया, और रजिस्टर्ड कहाँ करना है तो वो उसको कंस्ट्रक्शन बोर्ड में करना है, स्टेट्स का जो भी कंस्ट्रक्शन बोर्ड होगा, जैसे अगर बिहार के मामले में कहें तो बिहार बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड होगा। तो उस बोर्ड के बारे में आपको चैप्टर 5 में दिया गया, सेक्शन 18 कहता है कि एक बोर्ड बनाएगा और हर एक स्टेट्स को, एवरी स्टेट्स को जो है सो वो अपना बोर्ड का गठन करना है, और बोर्ड के लिए एक चेयरपर्सन होंगे, उसके अलावा बोर्ड के मेंबर होंगे, उसके अलावा बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, तो जो सेक्रेटरी होगा वो बोर्ड का जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, और वो जो है सो बोर्ड को कैसे एग्जीक्यूट करना है, जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सेक्रेटरी बोर्ड के जो टर्म एंड अलाउंसेस होंगे, जो भी कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट होगा, ये सब जो है सो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी रूल में। अब सेक्शन 22 जो है वो बोर्ड के फंक्शंस के बारे में बताता है कि बोर्ड क्या करेगा। तो बेसिकली बोर्ड का जो गठन होता है वो एक जो फंड बोर्ड ने कंस्टिट्यूट किया उसको मैनेज करना है, बेनिफिशियरीज को उसको जो है सो लाभ देना है, बेनिफिशियरीज के लिए जो डिफरेंट स्कीम्स है उनका जो है सो निर्माण करना है, तो प्रोवाइड इमीडिएट असिस्टेंस टू ए बेनिफिशियरी इन केस ऑफ एक्सीडेंट। मान लीजिए दुर्घटना का शिकार हो जाता है कोई बेनिफिशियरी, और निर्माण स्थलों पर यह बहुत आम बात है, तो ऐसी दुर्घटना के शिकार मजदूर की मृत्यु की स्थिति में उसके जो डिपेंडेंट्स होंगे उनको, या अगर वो डिसेबल्ड हो गया तो डिसेबल का उसको जो बेनिफिट है वो मिलेगा। उसके बाद मेक पेमेंट ऑफ द पेंशन, 60 ईयर्स या उससे ऊपर का हो जाता है तो उसको पेंशन का प्रोविजन होना चाहिए। लोन एंड एडवांसेस टू ए बेनिफिशियरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। अब बेनिफिशियरी जो है खुद एक वर्कर के रूप में काम कर रहा है, लोगों का घर बना रहा है लेकिन उसका खुद का घर नहीं बन पाता है, तो ऐसी स्थिति में बोर्ड इस तरह का प्रोविजन ला सकता है लोन और एडवांसेस का कि वो अपने घर के निर्माण में उन लोन और एडवांसेस का यूज कर सकता है। उसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह की स्कीम उस बेनिफिशियरीज के लिए लाई जा सकती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों को पढ़ाने के लिए आप उसको हेल्प कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को। उसके अलावा मेडिकल एक्सपेंसेस जो है सो आपको अगर मान लीजिए कोई बड़ी बीमारी होती है
किसी प्रकार की समस्या आती है मेडिकल की, तो उसके लिए आप जो है सो मेडिकल एक्सपेंसेस कर सकते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट की बात जो है वो भी की गई है कि फीमेल वर्कर्स है, बेनिफिशियरीज है, तो उसको आप मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड कराइए। और उसके अलावा जो है स्टेट को थोड़ा सा छूट मिला हुआ है कि अपने वेलफेयर मेजर्स के हिसाब से वो कोई और भी स्कीम जो है उनके इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोवाइड कर सकता है। सेक्शन 24 जो है वो आपको फंड और उसके एप्लीकेशंस के बारे में बताता है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड का फंड होगा उसको कैसे यूज किए जा सकते हैं। तो फंड जो होगा एनी ग्रांट्स एंड लोन मेड बाय द मेड टू द बोर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 23। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उस फंड में बोर्ड को जो है सो पैसा दे सकती है, किसी तरह का ग्रांट या लोन दे सकती है। जो बेनिफिशरीज का कंट्रीब्यूशन आएगा वो भी उस फंड में जमा होगा। और उसके अलावा All sum received by the board from such other source as may be decided by the central government. और यहीं पे फिर central government ने decide किया था आपको जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, Welfare Cess Act के बारे में, Building and Other Construction Worker Welfare Cess Act 1996, जिसमें है कि कोई भी construction का काम होता है तो उसका 1% जो है आपको cost of construction का वो remit करना है आपको construction worker welfare board में। तो इस तरह से fund का जो है constitution होता है। सामान्यतः पैसा जो है इसमें बेसिकली इसी 1% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का जो अगेंस्ट वेलफेयर सेस आता है उससे ही होता है। और इस फंड का उपयोग आप कहाँ कर सकते हैं? एक्सपेंसेस ऑफ द बोर्ड इन डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन अंडर सेक्शन 22। सेक्शन 22 में जो आपने स्कीम्स की बात की है उन स्कीम्स को चलाने के लिए पैसे का आवश्यकता होगा। मान लीजिए आप डेथ स्कीम बेनिफिट देते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट देते हैं, एजुकेशनल बेनिफिट देते हैं, तो उसके लिए आप जो है सो पैसे का खर्च कर सकते हैं। सैलरी अलाउंसेज इन सब के लिए मेंबर्स जो होंगे बोर्ड के या एम्प्लॉय जो होंगे उनके सैलरीज वगैरह में उनको जो भी अलाउंसेज वगैरह देना है उसमें आप खर्च कर सकते हैं। एक्सपेंस ऑन ऑब्जेक्ट एंड द पर्पसेस ऑथराइज्ड बाय दिस एक्ट, या एक्ट में अगर कहीं कोई है। एक पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट दिया है कि नो बोर्ड सेल इन एनी फाइनेंशियल ईयर इनकर एक्सपेंसेस टुवर्ड सैलरीज अलाउंस एंड अदर रेमुनरेशन टू इट्स मेंबर ऑफिसेज एंड अदर एम्प्लॉय एंड फॉर मीटिंग ऑफ अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एक्सीडिंग 5% ऑफ इट्स टोटल एक्सपेंस ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जितना वो खर्च करता है बेनिफिशरीज के फायदे के लिए, बेनिफिशरीज को बेनिफिट्स देने के लिए, ग्रांट्स देने के लिए, उसका वो मैक्सिमम 5% तक जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में खर्च कर सकता है। तो यहाँ पे एक चेक एंड बैलेंस लगाया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में बहुत ज़्यादा खर्च आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि बोर्ड में बहुत ह्यूज अमाउंट जो है सो क्रेडिटेड होता है फंड्स में, तो इसीलिए यहाँ पर CAG को जो है सो दिया गया है कि वो अपना समय समय पर इसका ऑडिट करेंगे, ऑडिट करके इसकी रिपोर्ट जो है सो सरकार को देंगे, और अगर कोई समस्या आती है, कोई गड़बड़ी मिलती है, तो इन सब के बारे में वो आगे अपना बताएंगे। ऑडिटर का जो रिपोर्ट होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास जो है सो रखा जाता है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो चैप्टर 6 है वो आपको है आवर ऑफ वर्क्स यानी कार्य के घंटे, वेलफेयर मेजर्स यानी कल्याण के प्रावधान एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स और जो अन्य सेवा शर्तें हैं उनके संबंध में चैप्टर 6 बतलाता है। तो इसका सेक्शन 28 क्या है कि नॉर्मल वर्किंग डे का आपको आवर जो है फिक्स करना है। देखिए लेबर लॉ में कहीं भी जाइएगा, कहीं भी पढ़िएगा, तो नॉर्मल वर्किंग डे का जो आवर फिक्स करना है वो जनरली रूल में डिस्क्राइब्ड होता है और वो आपको 9 आवर्स भी मिलेगा। 9 आवर्स जो है वो फिक्स किया जाता है। इसमें इंटरवल ऑफ रेस्ट जो है, विश्राम अंतराल जो है वो इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पर भी जो रूल में देखेंगे इसका, हर एक स्टेट का अपना अपना रूल है इसका, तो इंटरवल ऑफ रेस्ट के साथ वो 9 आवर्स का होगा। वर्किंग आवर जो इफेक्टिव होता है वो 8 आवर ही वर्किंग आवर होता है और कम से कम 5 घंटे काम करने के बाद कम से कम आधे घंटे का उनको रेस्ट देना होता है। ये नियम हर जगह आपको एक जैसा ही मिलेगा। तो फिक्स द नंबर ऑफ आवर ऑफ वर्क विच शैल कंस्टिट्यूट ए नॉर्मल वर्किंग डे फॉर ए BOC वर्कर, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ वन और मोर स्पेसिफिक इंटरवल्स। तो यहाँ पर हम जो जनरली रूल में वही रहेगा, 9 आवर्स वर्किंग ऑफ डे और 5 आवर्स कंटिन्यूअस वर्क के बाद कम से कम 1/2 आवर्स का जो है विश्राम रेस्ट इंटरवल। उसके बाद है आपको डे ऑफ रेस्ट फॉर एवरी पीरियड ऑफ 7 डेज। ये हर एक्ट में आपको मिलेगा, 7 दिन जो टोटल हुआ तो लगातार 6 दिन काम करेगा तो उसको 7वां दिन जो है सो रेस्ट मिलना चाहिए, वो यहाँ पर भी आपको है। और यदि रेस्ट के डे में अगर वो वर्क करता है तो फिर वो पेमेंट जो होगा वो ओवर टाइम रेट से होगा। ये चीज भी आपको हर एक एक्ट में देखने को मिलेगा। ओवर टाइम का जो रेट होता है वो रेट जो है नॉर्मल वेज रेट का डबल होता है। अगर मान लीजिए कि किसी वर्किंग एनवायरमेंट में 400 रुपीज जो है एक डे का आपका नॉर्मल है, तो अगर वो अपने डे ऑफ रेस्ट को वर्क करता है, विश्राम की जो उसकी तिथि होती है उस दिन को अगर वर्क करेगा, तो उसको 800 रुपीज का जो है सो
भुगतान होगा उस दिन के लिए, डबल रेट से होता है ओवर टाइम का। वेज फॉर ओवर टाइम वर्क के लिए जो है सेक्शन 29 डिफाइंड करता है, जो नॉर्मल वर्किंग डे होता है उससे ज्यादा होगा, और यहाँ कहता है उसको क्या, इंटाइटल टू वेज एट द रेट ऑफ ट्वाइस हिज ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेज। ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेज मीन्स जो बेसिक वेज होगा प्लस जो अलाउंसेस होगा, उन सबको मिलाकर के एक दिन में आप जितना रुपया देते हैं उसका डबल होगा। अगर वो एक घंटा एक्स्ट्रा करता है तो मान लीजिए कि 400 रुपया आप एक दिन का पेमेंट करते हैं, तो 8 घंटे के लिए 400 रुपया देते हैं तो 1 आवर के लिए 50 रुपीज़ हुआ। अब अगर वो 2 आवर जो है वर्क करता है तो 50 × 200 रुपीज़ का जो है उसको पेमेंट होगा ओवर टाइम एक घंटे का, ठीक है। सेक्शन 30 है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स के बारे में, ये हर एक एक्ट में आप पढ़ते हैं। एम्प्लॉयर का ये दायित्व होता है कि वो रजिस्टर और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर होते हैं, उसके लिए मास्टर रोल होता है, पेमेंट रजिस्टर होता है, उसका जो है अटेंडेंस रजिस्टर होता है, ये सब कुछ उसको मेंटेन करना होता है। अब सेक्शन 31 यहाँ पे एक बैरियर लगाता है कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पर्सन को नियोजक नियुक्त नहीं करेगा जिसके बारे में वो जानता है कि वो डेफ है, बहरा है, मान लीजिए डिफेक्टिव विजन है, वो ठीक से देख नहीं पा रहा है, या फिर उसको गिडनेस है, चक्कर वगैरह, बेहोशी वगैरह आती है। तो इस प्रकार का यदि कोई वर्कर है तो उसको कंस्ट्रक्शन वर्क में, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में नहीं लगाएगा, या ऐसे काम में उस जगह पे नहीं लगाएगा जहाँ इन उसको रिस्क इन्वॉल्व है। मान लीजिए ऊंचाई पर अगर उसको काम लिया जा रहा है और चक्कर खा करके वो नीचे गिर जाए तो एक्सीडेंट हो सकता है, या किसी दूसरे वर्कर को वह हार्म पहुंचा सकता है उस चक्कर में। तो इन सब चीजों का ध्यान रख करके ऐसे वर्कर्स को काम पर नहीं रखना। उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करनी है सुटेबल प्लेसेस पे जहाँ सभी वर्कर्स देख सकते हैं, और ड्रिंकिंग वाटर जो है लोकल लैंग्वेज में जो समझ सकते हैं वर्कर उस लैंग्वेज में व्यवस्था आपको करना है। लैट्रिन एंड यूरिनल्स की भी व्यवस्था जो है सो वर्क साइट पे करनी होगी, जहाँ कंस्ट्रक्शन कैरीड आउट हो रहा है वहाँ सफिशियंट नंबर में होना चाहिए। बाकी रूल्स वगैरह में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है कितने वर्कर्स पे आपको कितने रखने होंगे। सेक्शन 34 कहता है कि यदि वर्क साइट, कंस्ट्रक्शन वर्क साइट पे वर्कर्स रहते हैं, और जनरली यही होता भी है कि कंस्ट्रक्शन वर्क साइट जो होता है बहुत दिनों तक काम होता है लगातार, वहाँ वर्कर रहते भी हैं, तो उनको एकोमोडेशन और वो फ्री ऑफ चार्ज होना चाहिए, उसका पैसा नहीं लगेगा, विद इन द वर्क साइट जो है एकोमोडेशन होना चाहिए। टेम्प्ररी ही एकोमोडेशन होगा, लेकिन जहाँ तक हो सकता है उसमें ह्यूमिडिटी कंडीशन होना चाहिए, जैसे लाइट प्रॉपर आनी चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, ये सारी बातों का ध्यान रखना। सेक्शन 35 क्रेच की व्यवस्था करने की बात कहता है, जहाँ 50 फीमेल बिल्डिंग वर्कर्स आपको काम कर रहे हैं, 50 या उससे ज़्यादा, तो अगर फीमेल बिल्डिंग वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्रेचेज की व्यवस्था आपको करनी होगी। क्रेच रूम जो होगा वो उसमें लाइटनिंग की व्यवस्था अच्छी हो, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए उसका, प्रॉपर एडेक्वेट एकोमोडेशन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, कोई ना कोई एक धाई होनी चाहिए जो उसका देखभाल करेगी, ट्रेंड नर्स या कोई ट्रेंड वीमेन होना चाहिए जो बच्चों का देखभाल करेगी, 0 to 6 ईयर के बच्चे जो वहाँ पर आपको क्रेचेज में रहेंगे। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको 3 जगह क्रेच की बात आती है, 4 जगह, एक आपको आएगा फैक्ट्री एक्ट में, वहाँ पर जो क्रेच की व्यवस्था करने के लिए कहता है वहाँ कहता है 30 फीमेल वर्कर पे, और एक आता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में। तो फैक्ट्री एक्ट में आपको 30 फीमेल वर्कर पे आता है, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में 2017 में अमेंडमेंट किया तो उन्होंने कहा 50 वर्कर्स पे, इसमें फीमेल और मेल का नहीं है, 50 वर्कर्स पे, ठीक। उसके बाद फैक्ट्री एक्ट की तरह ही बीडी एंड सिगार एक्ट में भी 30 फीमेल वर्कर पे है, और बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट में जो है आप देख पा रहे हैं 50 फीमेल वर्कर पे। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि हर जगह अलग अलग डेफिनेशन में है दिया हुआ, मैटरनिटी में अलग है, यहाँ पे अलग है, तो अलग अलग जगह है। अब कई बार कन्फ्यूजन होता है कि हालांकि ये एक एग्जामिनर के लिए नहीं होगा, लेकिन अगर कोई इंस्पेक्टर हो वो जाए तो अब वो किस हिसाब से देखे, तो प्रिवेल करेगा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, तो उसके हिसाब से अगर वो वहाँ पे बीओसी एक्ट भी लग रहा है, मैटरनिटी भी लग रहा है, तो फिर मैटरनिटी प्रिवेल कर जाता है। कंस्ट्रक्शन प्लेस पे चूंकि एक्सीडेंट वगैरह होने का चांस हमेशा रहता है, इसलिए फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह की व्यवस्था उनको करनी है। उसके अलावा वर्कर्स की सुविधा के लिए कैंटीन का व्यवस्था करना है, और जहाँ कैंटीन का व्यवस्था करना है जहाँ की नॉट लेस देन 250 बिल्डिंग वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, 250 या उससे अधिक बिल्डिंग वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको कैंटीन की व्यवस्था करनी है। ये सब आपको इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में, फैक्ट्री एक्ट में, इन सब जगह पर भी ये सारे प्रोविजंस आपको मिल जाएंगे। चैप्टर 7 जो है वो आपको रिलेटेड है सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर से, जैसे चैप्टर 6 था उसके वर्किंग कंडीशन, वेलफेयर प्रोविजन और अदर सर्विस कंडीशन से। जैसे कि हम लोगों ने शुरू में भी जिक्र किया था कि ये जो एक्ट है पूरा का पूरा वो वर्किंग कंडीशन, वेलफेयर मेजर्स एंड सेफ्टी और हेल्थ, इन सबको देख करके ही बनाया गया है वर्कर्स के लिए, खास करके कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका। इसमें एक सेफ्टी कमेटी की बात की गई है,
और सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त करने की बात की। तो ये एक्ट कहता है कि जहां 500 या उससे अधिक 500 और मोर कंस्ट्रक्शन वर्कर काम करते हैं, वहां एम्प्लॉयर जो है एक सेफ्टी कमिटी बनाएगा, सुरक्षा समिति का निर्माण करेगा। और ये जो सुरक्षा समिति होगी, इस सुरक्षा समिति का दायित्व हुआ कि वो कार्यस्थल पर सुरक्षा का आकलन करते रहे, उसके हिसाब से जो भी स्टेप्स लेने हैं वो उसको ले, एम्प्लॉयर को भी उसके लिए सूचना दे। और उसके अलावा सेफ्टी ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा, जिसका कि वेल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो कि रूल में डिस्क्राइब होगा क्या क्वालिफिकेशन हो, और उसके हिसाब से जो है सो सेफ्टी ऑफिसर अपना वर्क करेगा, जो कि वर्कर्स के सेफ्टी पर पूरा का पूरा ध्यान देगा। सेक्शन 39 जो है वो है नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट्स। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन साइट है, हो सकता है कभी दुर्घटना हो गई, तो दुर्घटना से किसी की डेथ भी हो सकती है, या कोई इंजर्ड हो गया, डिसेबल्ड हो गया, कुछ भी हो गया। तो अगर डेथ हो जाती है किसी की, या कोई इंजर्ड हो गया और वो 48 घंटे से ज्यादा के लिए काम करने से अयोग्य हो गया, ठीक है कि 48 घंटे तक वो काम नहीं कर पा रहा या उससे ज्यादा तक, तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो है सूचना आपको प्रॉपर अथॉरिटी को देनी होगी नोटिस के फॉर्म में। और वो फिर सूचना के आधार पर प्रॉपर अथॉरिटी फिर नेक्स्ट स्टेप लेंगे। मान लीजिए अगर सपोज कीजिए किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर का डेथ हो जाता है, तो उस केसेस में कंपनसेशन एक्ट वगैरह या जो भी उन पे रूल फॉलो होगा, अगर वो कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड से जुड़ा हुआ तो उसको जो है सो बेनिफिट्स वगैरह स्कीम का जो लेना है वो सारा दिया जा सके। इसीलिए नोटिस ऑफ एक्सीडेंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेक्शन 40 जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को समुचित सरकार को पावर देता है कि समुचित सरकार जो है वो आपको सेफ्टी और हेल्थ के लिए जो है कई सारे सब्जेक्ट्स पर जो है कई सारे विषयों पर जो है सो रूल बना सकती है अलग से। और उन विषयों को डिटेल से बताया गया है कि किन किन विषयों पर उनको सेफ्टी और हेल्थ को लेकर के रूल बनाना है, और हर एक स्टेट्स ने अपने जो रूल बनाए हैं उनमें इन सारे विषयों को शामिल करते हुए जो है सो अपना सेफ्टी और हेल्थ को लेकर के रूल बनाया है। इसके अलावा सेक्शन 41 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया था कि भाई वो एक मॉडल रूल एक्सपर्ट कमिटी की हेल्प से बना ले, और स्टेट गवर्नमेंट जो है उस मॉडल रूल को जहां तक हो सके अपने रूल में इनकॉर्पोरेट कर ले, ताकि जहां तक हो सके वर्कर की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के कोई भी समझौता न हो। चैप्टर 8 जो है वो आपको इंस्पेक्टिंग स्टाफ को लेकर के है, जो कि इंस्पेक्शन कर सकते हैं वर्क साइट पे या उसका सुपरविजन जिनको करना है। और इसी में सेक्शन 42 जो है वो कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ द डीजी चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर्स, डायरेक्टर जनरल चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जानी है। अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि भाई आप एक डायरेक्टर जनरल जो है इंस्पेक्शन के लिए एक नियुक्त कीजिए, और वो डायरेक्टर जनरल को पूरे भारत में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एस्टैब्लिशमेंट है उनमें उनको पावर दिया गया इंस्पेक्शन करने का। और उसके अलावा इंस्पेक्टर की भी नियुक्ति करनी है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। और डायरेक्टर जनरल की तरह ही स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि भाई अपने यहाँ आप क्या करिए, एक चीफ इंस्पेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए चीफ इंस्पेक्टर जो है नियुक्त कीजिए, और आपके स्टेट में जो अदर डिस्ट्रिक्ट वाइज या एरिया वाइज जो भी इंस्पेक्टर होंगे वो इस चीफ इंस्पेक्टर के अंदर होंगे। तो डायरेक्टर जनरल जो होंगे वो सेंट्रल लेवल पर होंगे, और उनके अंदर कई सारे इंस्पेक्टर होते हैं जो सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो है सबसे हेड होगा चीफ इंस्पेक्टर, और उसके अंदर जो है कई सारे इंस्पेक्टर होंगे जिनको कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपने हिसाब से नियुक्त करेगी। जो भी इंस्पेक्टर नियुक्त होंगे वो जो है सो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जैसे कि आपने हर एक एक्ट में पढ़ा होगा कि सेक्शन 21 ऑफ द आईपीसी के तहत जो है सो उनको पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। जहां तक इंस्पेक्टर्स के पावर की बात है तो हम बट नेचुरल जानते हैं हर एक एक्ट में यही बात लिखी रहती है मोर और लेस कि भाई इंस्पेक्टर जो है रीजनेबल आवर में एस्टैब्लिशमेंट में इंटर कर सकता है, उनके डॉक्यूमेंट्स देख सकता है, जो भी उनको रिकॉर्ड्स हैं रजिस्टर मेंटेन करने हैं, वर्कर्स का स्टेटमेंट ले सकता है, उनके सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर मेजर्स वर्किंग आवर और भी जो भी इस रूल या इस एक्ट के तहत जो भी बातें लिखी होंगी उन सब का क्या अनुपालन नियोजक के द्वारा किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, उन सबको एग्जामिन कर सकता है, उन सब के अगेंस्ट में रिपोर्ट बना करके वो अपना जो है सो आगे का जो कार्रवाई है प्रोसिक्यूशन करना जो भी करना वो कर सकता है, सीज कर सकता है कॉपी वगैरह को, रजिस्टर वगैरह रिकॉर्ड वगैरह को वेज के लिए नोटिस दे सकता है। ये सारा बात जो अदर एक्ट्स में होता है यहाँ पर भी वो सारी बातें दी गई है। चैप्टर 9 जो है उसमें स्पेशल प्रोविजंस कुछ दिया गया है। चैप्टर 44 जो है वो आपको है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर, हर एक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस एक्ट या इसके अंदर जो बना है रूल उसके सारे प्रोविजंस को जो भी स्टेप्स है उनको फॉलो करें, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना जो है वो कार्यस्थल पर ना हो। अब सेक्शन 45 कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ वेज एंड कंपनसेशन। अब कोई भी जो एम्प्लॉयर है अगर वो खुद अपना काम करवा रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है वेज और कंपनसेशन को पे करने के लिए। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से काम करवा रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर उसका वेज और कंपनसेशन पे करेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अगर फेल करता है किसी भी कारण से वेज और कंपनसेशन पे करने के लिए वर्कर का, तब फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की हो जाएगी कि वो कंपनसेशन और वेज को पे करे वर्कर का, और कॉन्ट्रैक्टर के अमाउंट में से उतना वो डिडक्ट कर ले। अब सेक्शन 46 कहता है कि अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर
कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करता है, तो वो जैसे ही काम को स्टार्ट करेगा उससे 30 दिन पहले, 30 डेज पहले जो है उसको उसकी सूचना उस लोकल इंस्पेक्टर को देनी है, जिसमें उस लोकेशन के बारे में उसका एड्रेस बताना है, उसके बारे में कितने वहाँ वर्कर काम कर रहे हैं, किस प्रकार का वर्क इन्वॉल्व होगा, अगर किसी प्रकार का एक्सप्लोसिव वगैरह स्टोर किया जा रहा है तो उसकी सूचना देनी है, कितने देर काम होना है या रूल में और कोई बात बताई जाए, तो इन सब के बारे में सूचना जो है उसको लोकल इंस्पेक्टर को देना होगा। चैप्टर 10 जो है वो आपको पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स से है कि किस प्रकार के दंड प्रावधान इस एक्ट में लगाए गए। अब सेक्शन 47 है कि अगर मान लीजिए कि कोई सेफ्टी रिलेटेड जो प्रोविजंस या स्टेप्स बताए गए हैं उनका कोई उल्लंघन करता है, उन सेक्शंस को कोई वायलेट करता है एम्प्लॉयर, तो उनको जो पेनल्टी है वो 3 मंथ्स का जो है सो इम्प्रिजमेंट है, जेल 3 महीने तक का हो सकता है, उनको फाइन है विच में एक्सटेंड टू 2,000 रुपीज, और दोनों भी हो सकता है, 3 महीने का जेल हो सकता है, 2,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या उसको दोनों हो सकता है। इसके अलावा फिर से वो उसको कंटिन्यू करता है उस अपराध को, तो फिर अगर कंटिन्यू करता है कंट्रावेंशन को तो फिर वो एडिशनल फाइन हो सकता है जो कि 100 रुपीज फॉर एवरी डे, जितने दिन तक वो कंटिन्यू करता है आफ्टर फर्स्ट कंट्रावेंशन के कन्विक्शन के बाद उतने दिन के लिए उसको 100 रुपीज पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा फाइन लगाया जा सकता है। अब मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर जो है वो पहले बार अपराध करता है, अपराध के बारे में उसको दोषी बना देते हैं तब भी उसको दोहराते रहता है, तो जो फाइन लगना था, जो उसको जेल की सजा होनी थी उसके अकॉर्डिंग उसको सजा या फाइन लग गया, और उसके कुछ दिन के बाद फिर से वो उसी अपराध को दोहराता है, तो इसमें जो है उसको फिर 6 मंथ तक का जो है सो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और फाइन हो सकती है जो कि 500 रुपीज, नॉट लेस देन 500 रुपीज, बट मे एक्सटेंड टू 2,000 रुपीज और बोथ, यानी कि इसमें जेल की सजा को जो है सो बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ 2 प्रोविजो दिया गया, पहला कि जो अपराध का जो संज्ञान लेना है वो 2 साल के भीतर लेना है, जिस दिन वो घटना घटी है उसके 2 साल के अंदर लेना है, 2 साल से ज्यादा में आपको नहीं लेना है। दूसरी बात कि अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस प्रेजेंट है तो फिर 500 से कम का भी पेनल्टी लग सकता है। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि सेक्शन 46 में जो है आपको कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसकी सूचना आपको देनी है आप इंस्पेक्टर को, और अगर कोई नहीं देता है तो उसके लिए भी फेल्योर टू गिव नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द BOC वर्क, तो फिर अगर आप उसकी सूचना नहीं देते हैं तो 3 महीने तक का जो है सो उसका आपको इम्प्रिजनमेंट है और फाइन है जो कि 2,000 रुपये तक का हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। अब यदि कोई नियोजक मान लीजिए कि ऑब्स्ट्रक्ट करता है, इंस्पेक्टर को रोकता है उसके काम से इंस्पेक्शन करने के दौरान या जो भी उसका वर्क है उसके दौरान, तो उसमें भी उसको जो है सो 3 महीने तक की सजा या 1,000 रुपये तक का जो है जुर्माना या दोनों हो सकता है। और लास्ट में सेक्शन 50 कहता है कि मान लीजिए कोई ऐसा अपराध है जिसके बारे में पहले से इसमें कहीं बताया नहीं गया है और वो किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, कोई भी ऐसा ऑफेंसेस मान लीजिए कि कोई ऐसा काम जो कि इसमें हमने डिफाइन नहीं किया अभी तक के पेनल्टी में और वो रूल का वायलेशन कर रहा है, एक्ट का वायलेशन कर रहा है, तो उस केसेज में जो है उसको 1,000 रुपीज का जो है सो मैक्सिमम जुर्माना हो सकता है। अगर वो वायलेशन करने के बाद उसको हमने सूचना दे दी, कन्विक्शन हो गया और फिर वो उसी को दोहराया जा रहा है उसके बाद भी उसको नहीं रोक रहा है, तो उसको 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो है सो फिर एक्स्ट्रा उसको फाइन लगते जाएगा, उस पर इम्पोज किया जा सकता है पेनल्टी फर्स्ट कंट्रावेंशन के कन्विक्शन के बाद। सेक्शन 51 जो है अपील से रिलेटेड है कि यदि मान लीजिए सेक्शन 50 में हमने बताया कि यदि किसी अपराध के लिए की सजा का प्रावधान नहीं है, कोई पेनल्टी का प्रावधान नहीं है, तो वहां पे 1,000 रुपये तक का पेनल्टी लिया जा सकता है। अब अगर मान लीजिए कि कोई नियोजक से इस प्रकार का पेनल्टी वसूला जाता है और वो विक्षुब्ध है उस निर्णय से, तो फिर वो डायरेक्टर जनरल के द्वारा लगाए पेनल्टी के खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट से, और अगर चीफ इंस्पेक्टर ने लगाया तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अपना जा करके उस तिथि से जिस तिथि को उसको पेनल्टी लगा है उस तिथि से 3 महीने के भीतर अपना जा करके अपील दायर कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी पे कोई किसी तरह का पेनल्टी लगता है किसी भी एम्प्लॉयर पे और वो पेनल्टी वो जमा नहीं करता है, तो फिर पेनल्टी के लिए उसमें आपको सर्टिफिकेट केस करने का प्रोविजन किया गया है जो पब्लिक डिमांड एंड रिकवरी एक्ट के तहत किया जाता है। सेक्शन 55 जो है लिमिटेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन है, कहता है कि कोई भी कोर्ट ऐसे मामलों का संज्ञान नहीं लेगा जो कि डायरेक्टर जनरल या चीफ इंस्पेक्टर के संज्ञान में आने के 3 महीने के अंदर जो है उसके बारे में कोर्ट को बता नहीं दिया गया है या जिसके बारे में कोर्ट में प्रोसिक्यूशन दायर नहीं कर दिया गया है। 3 महीने से ज्यादा का अगर पुराना मामला हो गया है डायरेक्टर जनरल या चीफ इंस्पेक्टर के संज्ञान में आने के बाद, तो फिर उसका संज्ञान कोर्ट नहीं लेगा, उसका प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। सेक्शन 57 जो है वो आपको रिटर्न फर्निस करने के लिए दिया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को उनके रूल के अकॉर्डिंग जो है सो उनको रिटर्न फिल करना है। उसके अलावा सेक्शन 58 कहता है कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट्स जो है
यानी कि जो अब इम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट है वो आपको उस हद तक इस पर लागू होगा जितने कि वो सेकंड शेड्यूल में डिफाइंड है। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो इम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 है उसमें एक सेकंड शेड्यूल दिया गया है जिसमें लिस्टिंग है कौन कौन से एस्टैब्लिशमेंट कवर्ड होंगे कंपनसेशन के लिए। तो अगर उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर का वो जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कवर्ड है तो उस पर ये एक्ट लागू हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। सेक्शन 60 के तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो डायरेक्शंस दे सकता है स्टेट को या स्टेट बोर्ड को एक्सक्यूशन के लिए किसी भी प्रोविजन को इस एक्ट के तहत, और कई सारे सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके तहत निकालते रहती है। सेक्शन 62 में रूल बनाने की शक्ति दी गई है, नियम बनाने का पावर दिया गया और स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपने नियम इस एक्ट के तहत इसमें बनाए हैं। सेक्शन 63 कहता है कि यदि कोई ऐसा स्कीम्स या एक्ट या कुछ भी ऐसा रूल है स्टेट गवर्नमेंट के पास जो इस एक्ट के स्कीम रूल्स से बेहतर सुविधाएं देता है तो वो एक्ट जो अभी का एक्ट है यानी कि बीओसी एक्ट वो उस पर प्रभाव नहीं डालेगा। इसके अलावा चूंकि इसको ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाया गया था तो फिर उस ऑर्डिनेंस को जो है उन्होंने बाद में सेक्शन 64 में उन्होंने डाला है कि उसको रिपील कर दिया है।